हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ हम बात करने वाले हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर हम दिल्ली के पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा वेरिएशन जो है वो शो करता है, और किस तरीके से जो ये ग्राउंड कभी कभी जो है ये हार्ड भी करता है बॉलिंग टीम को या बैटिंग टीम को, और किस तरीके से कभी सपोर्ट भी करता है, उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये ग्राउंड जो है आपको अरुण जेटली स्टेडियम नाम से जो है जाना जाता है। इससे पहले फिरोजशाह कोटला नाम से जाना जाता था। लोकेशन जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। कैपेसिटी जो है वो 50,000 के आसपास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा कैपेसिटी आप कह सकते हो। और ये जो है आपको दिल्ली का होम ग्राउंड है, और साथ में DC जो कि दिल्ली कैपिटल की टीम है उसकी भी जो है होम ग्राउंड है, और दिल्ली जो रणजी की टीम है उसका भी जो है होम ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारे जो डोमेस्टिक मैचेज है वो होते रहते हैं हर दिन, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्राउंड जो है वो खाली रहता है। और इसके अलावा भी देखोगे तो आपको IPL के मैचेज यहाँ पे काफ़ी होस्ट होंगे, और आने वाले टाइम पे आपको वर्ल्ड कप के मैचेज भी जो है काफ़ी होस्ट होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कैसा जो है वो डिस्कशन रहने वाला। सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और अभी तक जो है आप विनर सेशन इंटी में बहुत इसी तरीके से प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हो। टोटल 5 मैसेज हो गए, बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट उठा रहे थे नहीं उठा पा रहे थे। जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जो है जुड़ सकते हो, यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉल पर या सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंड के बारे में। तो अब देखो, अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो ये जो है ना एक बैटिंग पिच ग्राउंड है, और बैटिंग पिच ग्राउंड होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा रन बनता है। तो देखो, बैटिंग पिच ग्राउंड अगर कोई भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हमेशा ज़्यादा रन बनेगा, लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पे ऐसा है कि जो पिच है वो फ्लैट रहता है, बाउंड्री एरिया स्मॉल रहते हैं, बैट्समैन के लिए काफ़ी फेवरेबल ग्राउंड रहता है, और एक ऐसा ग्राउंड रहता है जहाँ पे 200 रन जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यानी कि बैट्समैन को थोड़ा बहुत एफर्ट तो जरूर करना पड़ेगा। अब देखो, 200 रन ऐसा हलवा तो है नहीं कि फटाक से बन जाएगा, थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत कोई एफर्ट करेगा तो यहाँ पे 200, 210, 220 के आसपास रन जो है बहुत ही तरीके से बन सकते हैं। हालांकि रिसेंट IPL जो यहाँ पे हुआ था, जो हुआ था 2021 में, 2 साल पहले, तो वहाँ पे मैं देखा कि जो बैक टू बैक जो है वो स्कोर थे ना, वो काफ़ी 180-200 के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर आ रहे थे, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्या सिनेरियो चल रहा था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा रन जो है वो देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे हमने रिसेंट IPL जो उस समय देखा था, तो देखा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग हो रहा था, और बैटिंग में कैसा कोई भी जो है बॉलर क्यों ना हो, आप देखोगे मुंबई में उस समय काफ़ी खतरनाक बॉलर थे, बुमराह थे, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है खतरनाक बॉलर थे। और वैसे बॉलर के बाद भी देखो, उस समय जो अगर बात करते हैं तो बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और भी जो है बहुत सारे जो है बॉलर्स थे, तो उस बॉलर के बाद भी चेन्नई ने जो है वहाँ पर 218 रन मारा था मुंबई को, और मुंबई में जो उसमें बहुत खतरनाक बॉलर थे, लेकिन चेन्नई ने मुंबई ने जो है उसे चेस कर लिया था 219 बना के। उसके अलावा राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान भी जो है वहाँ पर 222 बना दिया था। तो एक अलग सीनरी जो है यहाँ पर रहता है इस ग्राउंड पर, और ग्राउंड जो है वो बहुत ही एक कहते हो कम्पैक्ट टाइप का ग्राउंड है, एक बहुत ही बड़ा सा एरिया जो है बाउंड्री एरिया नहीं रहता, छोटा सा बाउंड्री एरिया रहता है, जिससे काफ़ी मदद मिलता है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से जो लेना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर देखो ना, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के कारण और साथ में छोटा होने के कारण काफ़ी जो है वो एक अच्छा सा जो है बैटिंग इंपैक्ट रहता है। तो आपको बैट्समैन में जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में आप उसको लेके चलना हो, तो जब भी दिल्ली की मैसेज होगा आप उसको जो है यहाँ पे पिक कर सकते हो कि वो जो है एक अच्छा सा इम्पैक्ट डाल सकता है जो अच्छे फॉर्म में है। अब अच्छे फॉर्म में कैसे है, जैसे यहाँ पे दिल्ली के मैसेज ज़्यादा होंगे तो दिल्ली में जो फॉर्म है आप ले लो, बाकी जो दूसरा अपोजिशन टीम होगा उसमें जो भी फेवरेट चल रहा होगा, जो भी एक अच्छा सा जो है रन बना रहा होगा उसे पिक कर सकते हो। और ये चीज़ें आप मत कहना कि आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप डेली एनालिसिस की मेरी वीडियो देखते हो तो उसमें पता चल जाता है कि कौन जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कौन जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को मैं जो है वहाँ पर रोज़ जो है डेली एनालिसिस वीडियो में बताते रहता हूँ। एवरेज रन जो है यहाँ पे 166 है। बॉलर्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बॉलर्स यहाँ पे नहीं चलते हैं, बॉलर्स में जो है फास्ट बॉलर भी यहाँ पे काफ़ी इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन जो है वो तमीर रहता है, अगर फास्ट बॉलर भी इंपैक्ट डालेगा तो एवरेज रन देखोगे तो आपको जो है वो 200 से ऊपर नहीं जाएगा, वो जो है आपको 170 के आसपास जो है वो निपट जाएगा या 180 के आसपास निपट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है और ज़्यादा थोड़ा सा नमी वमी रहता है ग्राउंड में, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो वैसा कंडीशन में स्पिनर को भी जो एक अच्छा मदद मिलता है, तो आप स्पिनर को जो है पिक कर सकते हो। एक बार जो है आप दिल्ली का वीदर देख लेना कि मैच से पहले कि कैसा जो है वो वीदर चल रहा है वहाँ पे, तो अगर वीदर जो है वो थोड़ा सा ड्राई वाला कंडीशन है तो आप स्पिनर को जो है ले सकते हो। थोड़ा सा जो है स्विंग वाला कंडीशन है, जैसे थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा नमी टाइप का दिखाई दे रहा है वीदर, तो आप वहाँ पर स्विंग के लिए जो है वो ले सकते हो। अब इसके अलावा बात करते हैं तो पीछे जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है और इनिशियल फेज में, और एक ऑड इवन तरह के जो है ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक रन जो है कभी हाई बनता है कभी जो है वो लो बनता है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर
कि दिल्ली का जो T20 का स्टेट्स हैं टोटल 7 जो है रिसेंट मैसेज में आई है, इंटरनेशनल मैसेज बात कर रहे हैं, जिनमें से 3 फर्स्ट बैच जीता है और 4 जो है सेकेंड बैच जीता है। आप देख सकते हो ना एक बिल्कुल एक कैसा जो है ग्राउंड रहता है, कभी यहाँ पे ज़्यादा रन बनता है डिफेंड हो जाता है, कभी कम रन बनता है चेस हो जाता है। इसी नाल बात करते हैं यहाँ पे तो जो एवरेज फर्स्ट बैठे हुए हैं 164 एक T20 इंटरनेशनल में है, हाईएस्ट यहाँ पे 211 जो गिनिया में था और लोवेस्ट जो है श्रीलंका का है 120 रन। तो ये सीनरी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये 7 में से अगर स्कोरिंग पैटर्न देखोगे आप तो देखोगे जो 3 मैसेज है 150 से नीचे हुआ है और 1 मैसेज जो है वो इसके बीच में है 150 से 17 के बीच में और 1 जो है 17 से 90 के बीच में और 2 जो है 90 से ऊपर है। तो इस सीनरी आप देख सकते हो कि आपको हर एरिया में जो है वो स्कोर दिखाई देगा। इसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक मैसेज का, डोमेस्टिक मैसेज कैसा रहा है जैसे आईपीएल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तब देखोगे 77 मैसेज यहाँ पे हुआ है, इन 77 मैसेज में 35 मैसेज 35 मैसेज जो है आप देखोगे फर्स्ट बैच जीता है और 42 मैसेज जो है आपको सेकेंड बैच जीते हुए यहाँ पे नजर आया है। तो ये भी कंडीशन आप देखोगे तो इक्वल कंडीशन आपको नजर आएगा जहाँ पे 35 मैसेज जो है वो कौन जीता है फर्स्ट बैट और 42 जो है सेकेंड बैट। सेकेंड बैट हमका से थोड़ा सा फेवरेबल जरूर है लेकिन देखोगे ना तो दोनों जो है इक्वल पोजीशन पे है, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कभी हाई स्कोरिंग मैसेज होता है कभी लो स्कोरिंग मैसेज होता है। फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे तो आपको जो है 166 जीत दिखाई देगा और आप देखोगे तो T20 इंटरनेशनल में भी सेम आस इसके आसपास है, यानी कि इतने रन जो है वो आराम से यहाँ पे बनते हुए नजर आ जाते हैं। और हाईएस्ट देखोगे तो 231 रन है जो कि बनाया था दिल्ली कैप्टन ने और लोवेस्ट जो यहाँ पे 66 रन है वो भी दिल्ली कैप्टन में। तो आप देख सकते हो डिफरेंस जो है कितना ज़्यादा है दोनों जो है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट में। और स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, 150 से नीचे 21 स्कोर है, 150 से 17 के बीच में देखोगे तो आपको 21 स्कोर दिखाई देगा और 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको 20 स्कोर दिखाई देगा और 190 से 15 के बीच देखोगे तो 190 से ऊपर तो 15 स्कोर दिखाई देगा। आप देखो किसी भी एरिया में उठा के देखो अब तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इस बीच में भी जो है ऑलमोस्ट सेम है, इस बीच में ऑलमोस्ट सेम है, इस बीच में ऑलमोस्ट सेम है और इधर जो है वो हाईएस्ट एरिया रहता है, इधर भी जो है देखोगे तो ऑलमोस्ट आस पास ही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मैचेज जो है ना वो कैसे भी हो जाए लेकिन जो स्कोरिंग पैटर्न वो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक मैच लो हो जाए तो एक हाई हो सकता है, अगला हाई हो रहा है तो एक हो सकता है कि लो हो जाए उसके बाद, इस तरह का कंडीशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुछ रिसेंट मैच होगी, तो रिसेंट मैच हम देखोगे तो यहाँ पे देखो गुजरात और राजस्थान और हैदराबाद का हुआ था जो कि 2021 में राजस्थान जो यहाँ पे 230 बनाया और 165 जो है हैदराबाद बना पाया। उससे पहले देखो मुंबई और सीएसके का, तो मुंबई चेन्नई सीएसके जो है यहाँ पे कितना बनाया 218 और मुंबई जो है वो 219 बनाकर चेस कर लिया था। अब देखोगे ना कि किस तरह का जो है ग्राउंड देखने को मिलेगा, हाई स्कोरिंग। और इसके बाद के मैसेज हम लोग देखते हैं तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एवरेज स्कोर के आसपास 141 बना पाया, 171 बना पाया राजस्थान और मुंबई जो है उसे चेस कर लिया और उसके बाद देखो फिर से 171 रन बना और उसके बाद से फिर से यहाँ पर चेन्नई जो है चेस कर लिया हैदराबाद के खिलाफ। तो आप देखो ना तो स्कोरिंग एरिया जो रहता है ना वो देखो इस तरह से जो है स्कोरिंग एरिया होते रहता है। ये दो मैच देखो आसपास हुआ है एक दिन के बाद तो सेम स्कोर एरिया रहा है, उसके बाद वो दोनों जो है वो सेम स्कोरिंग एरिया के आसपास रहा तो उसमें भी जो है सेम स्कोर हुआ है। तो इस तरह का जो है वो आपको एरिया जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो स्कोरिंग एरिया सेम ही रहता है। अब जो है यहाँ पे टोटल ये 7 मैचेज जो है उस शेड्यूल है जो कि आप देख सकते हो, एक तरफ दिल्ली है, पहले गुजरात से खेलने वाला है, फिर मुंबई से, फिर कोलकाता से, फिर हैदराबाद से, फिर बेंगलोर से, फिर पंजाब से और फिर चेन्नई से। और इसमें जो मैसेज होगा ना चेन्नई से जो मैसेज होगा ये 3:30 बजे होगा, बाकी जो मैसेज है ये रात का मैसेज है, तो इनमें ड्यू का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब होप्स होगी यहाँ तक अपनी वीडियो जो है देखा होगा, तो सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लूँ क्योंकि ऐसे वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। और साथ में अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि मैं उनसे सरेंटी में आप बहुत इस तरह से प्रॉफिट उठा सकूँ, तीजे व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर जुड़ सकते हो और बहुत इसी तरीके से प्रॉफिट आने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। और साथ में फॉर मेरे सब्सक्राइब टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ सब जुड़ सकते हो और बहुत इसी तरीके से प्रॉफिट आने की जर्नी है आप शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।